रायबरेली के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी उमेश पाल हत्याकांड में शहीद हुए सिपाही राघवेंद्र के घर पहुंचे। राज्य मंत्री ने परिजनों को दुख की घड़ी में ढांढस बधाया और मुख्यमंत्री की ओर से परिजनों को 50 लाख का चेक राज्य मंत्री व पुलिस अधीक्षक के द्वारा शहीद के परिजनों को दिया गया। राज्य मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने 50 लाख की आर्थिक सहायता के साथ परिजनों से भेंट अपेक्षा की है। मुलाकात के बाद परिजनों की अपेक्षाओं को भी मुख्यमंत्री द्वारा पूरा करेंगे। परिजनों द्वारा मंशा के अनुसार होली के ठीक बाद शहीद के नाम पर द्वार व सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। S7 के लिए वरुण बाजपेयी के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इतने संवेदनशील है, ये राज्य सरकार का हर व्यक्ति लगभग जानता है। आज हमको मुख्यमंत्री जी ने स्वतः अपनी ओर से फ़ोन करके कहा कि आप शहीद के परिजनों से जाकर के मिलें और राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए सहायता राशि उनको प्रदान करें। इसके अतिरिक्त होली का त्यौहार बीत जाए और थोड़ा ये लोग भी परिजन स्टेबल हो जाए तो इनको सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, मैं इनको लेके जाऊँगा। हम और क्या बेहतर कर सकते हैं शहीद के सम्मान में, हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे। ऐसा कुछ जानकारी मिली थी कि लोगों की अपेक्षाएं थी कि शहीद की यादें चिरस्थाई रखने के लिए यहाँ पर एक द्वार स्मृति द्वार बनाए जाने का की अपेक्षा की गई थी। आज संभवतः जिला पंचायत के अधिकारी आए होंगे मेरे निर्देश पर वो लोग यहाँ पर, और एक शहीद का द्वार जो होली के ठीक बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा, एक सड़क जो शहीद के नाम से बनने की अपेक्षा थी वो सड़क भी होली के तुरंत बाद बनना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त परिजन स्टेबल होने के बाद मैं उनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा और उन्होंने खुद अपेक्षा की है, मैं इनको सबको लेकर के और जो अपेक्षाएं परिजनों की और होंगी शहीद के सम्मान में हम क्या और कर सकते हैं वो हम लोग करने का प्रयास करें। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से 50 लाख रुपए परिजनों को सहायता राशि आज देने मैं आया हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से।